Lord Krishna Naman, my old dear student. Today we discuss about cell. This is the class of revision classes. Dear student, we are already discuss about cell. Cell are the building block of life. House are made up of bricks stuck together. Similar plant and animal are built up of cell stuck together. All living things are made up of cell, you know. In human body, 100 trillion cells found. Some living things are made up of just one cell. Uh, one cell is called unicellular. Uh, but most are made up of many cells. A bacterium, a very small living organism, is made up of only one cells A fly has millions of cells in it. A cat is made up of uh, hundreds of million cells. A human's being is made up of billions and billions of cells. In to learn the structure and function of an organism, it is necessary to know about cell. Its structure and function of its part. In this chapter, we will studying about more about of cell. The cell is lowest level of structure capable of performing all the activity of life. Cell are specific. The first cell was were, uh, observed by the name of Robert Hook in 1665 by uh, Robert Hooke in 1665 from slice of Cork. The cell theory सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय मैथेस स्लाइडन एंड थ्योडोर स्वान इन एटीन थर्टी नाइन एम जे स्लडेन इज आ जर्मन बॉटनिस्ट टी स्वान इज आल्सो जर्मन जुलाजिस्ट डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड उनकी सेल प्रोडक्ट के बने होते हैं सभी कोशिकाओं की ओरिजिन उनकी प्री एग्जाइटिंग सेल से होती है अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ़ सेलुला ई सेलुला से कन्फर्म हुआ वर्चो 1855 ने सेल लीनियस थ्योरी प्रतिपादित की 1855 वर्चो ने सेल लीनियस थ्योरी प्रतिपादित की कार्ल नागेली ने कहा कि प्लांट सेल में न्यू सेल्स पुरानी सेल के डिवीजन से बनती हैं अकॉर्डिंग टू कार नागेली द ओल्ड सेल डिवाइड इन न्यू सेल्स ऑल सेल मेटाबोल मेटाबॉलिक और स्ट्रक्चर में समान होती हैं जीवों में सभी क्रियाएं कोशिका की क्रियाओं के कार्ड होती हैं फंक्शनल यूनिट्स कोशिका की क्रियात्मक इकाई है सभी कोशिकाएं आनुवंशिकी की इकाई होती हैं ऑल सेल इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रत्येक जीव के जीवन की शुरुआत एक कोशिका से होती है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेडअप ऑफ सेल फर्स्ट सेल आर स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन माई ऑल डियर स्टूडेंट सेल में कुछ एसेप्शन भी हैं मेरे स्टूडेंट को सेल के एसेप्शन भी पता होने चाहिए वायरस सेल थ्यूरी सेप्शन है क्योंकि वायरस में सेल कंपोजिशन नहीं पाया जाता वायरस में सेल कंपोजिशन नहीं पाया जाता मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अ सेलुलर ऑर्गनिम जैसे कि मोनेरा प्रोटिस्टा जेंथोफाइटा जो कि बाउचेरिया है फाइकोमाइसिटीज जो कि राइजोपस है भी सेल थ्योरी के है हैं प्रिंसिपल स्वान 1839 ने सेल की परिकल्पना को बताया सिलाइडन और स्वान आगे बढ़कर सेल थ्योरी को दिया बाद में रुडोल्फ विर्चो अठारह सौ ने थ्योरी ऑफ सेल, सेल लीनिएज या कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है यानी कि इन्होंने अभी एक वर्ड बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला स्थापित किया था इन सभी को सेल थ्योरी को सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल की तरह डेवलप किया गया आ, सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल की तरह डेवलप किया गया सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल एक्सचेंज है रूपांतरित है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर लागू होगा कोशिका के बारे में आधुनिक जानकारी भी ये देता है सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन के कुछ पॉइंट्स हैं वो आप एक बार देख लीजिए सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं तथा तो उनके प्रोडक्ट से बना होता है सुनिए सभी कोशिकाओं का शरीर सभी जीवित सभी जीवितों का शरीर सभी ऑर्गेनिज्म का शरीर जो है या तो सेल से बना होगा या सेल प्रोडक्ट से बना होगा कोशिका सभी जीव के शरीर की संरचनात्मक इकाई हैं दैट मीन्स द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक कोशिका छोटे से प्रोटोप्लाज्म सहित से uh, डेवलप होती है uh, जिसमें एक न्यूक्लियस और कई सेल्स सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड uh, रहते हैं ऑल सेल uh, संगठित होती हैं किंतु कोई सेल जिसमें सॉल ऑर्गन पूर्तः फ्री नहीं रहते uh, जीवित नहीं रह सकती यदि सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन्स हैं वो फ्रीली नहीं होंगे तो वो जीवित नहीं रह सकती आ, सभी कोशिकाएं स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक प्रोसेस में आपस में समानताएं है रखती हैं दैट्स मीन्स कोशिकाओं का जो स्ट्रक्चर है जो केमिकल कंपोजिशन है और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये सभी सेम होते हैं लाइफ केवल सेल में नेत्र रहती है यदि सेल है तो लाइफ है और सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है इसीलिए हम बायो को लाइफ साइंस में स्टडी करते हैं और इसमें आप केवल सेल ही पढ़ेंगे बायोलॉजी में केवल आप सेल पढ़ेंगे नई सेल्स पूर्ववर्ती कोशिकाओं के डिवीजन से होती हैं हम जानते हैं कि जो पुरानी सेल हैं वो डिवाइड होकर नई सेल बनाती हैं ऑल सेल्स में हेरिडिटी सिग्नेलिन यानी कि आनुवंशिक सूचनाओं का पूर्ण समुच उपस्थित रहता है जो न केवल इसके लिए कि बल्कि संपूर्ण जीव के लिए सूचनाएं रखता है इसे हम कहते हैं टॉटिपोटेंसी यानी कि सेल के अंदर टोटीपोटेंसी होती है दैट्स मीन्स सेल कैपेबल होती हैं uh, सूचनाओं को पहुंचाने में हेरिडिटी की जो सूचनाएं हैं सेल के भीतर ही इकट्ठी रहती हैं एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जाने के लिए ओनली सेल ही ट्रांसफ़र करता है मॉडर्न ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें तो सेल्स का जो डेवलपमेंट है बहुत पहले से प्राचीन सेल से हुआ था इसमें समान वंशज जो थे किसी सेल की कोशिकाएं विशिष्ट क्रिया हेतु कार्यात्मक व संरचनात्मक रूप से हो सकती हैं जैसे तंत्र का कोशिकाओं में सेंटिल नष्ट स्तनियों में आर में न्यूक्लियस ना होना स्पर्म सेल का रूप होना तो ये सब जो हैं स्पेसिफिक हैं ठीक है आ, सेल होम्योस्टेटिस व उसके आंतरिक वातावरण को बनाए रखती है ठीक है ये बात याद रखना कि सेल जो है होम्योस्टेटिस बनाए रखती है अपने आंतरिक वातावरण को बनाए रखती है कोई भी जीव में अंगों में या उत्कों में वह क्रिया नहीं हो सकती जो उसकी कोशिकाओं में नहीं होती है प्रत्येक कोशिकाओं में पूरी आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए से भरी होती हैं यानी कि डीएनए जो है सेल के अंदर हैरीटिटी मटेरियल का कार्य करता है किंतु प्रत्येक सेल इसका कुछ भाग ही अभिव्यक्त करती है और उसके कार्य का संरचना हेतु आवश्यक हो प्रत्येक कोशिका की जीवन अवधि सुनिश्चित होती है यानी कि प्रत्येक जो सेल है वो कितने दिन जिएगी ये फिक्स होता है कुछ एक्सेप्शन है प्यारे स्टूडेंट्स वो आप एक बार देख लीजिए हमने आपको बताया सेल आर टू टाइप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल प्रोक्रेटिक में क्या था प्रिमिटिव न्यूक्लियस था ओल्ड न्यूक्लियस था फॉल्स न्यूक्लियस था ठीक है दैट मीन्स न्यूक्लियस एबसेंट था और वहीं पर यूक्रैटिक में क्या था ट्रू न्यूक्लियस था यानी कि इसमें न्यूक्लियस प्रजेंट था तो प्यारे विद्यार्थियों जो एक्सेप्शन है प्रोकेटिक व मैच्योर आर में न्यूक्लियस नहीं होता ध्यान रखना ये बात प्रोकेटिक व मैच्योर आर की सेल में न्यूक्लियस नहीं होता आर ब्लड का एक कंपोनेंट है प्रोकेटिक में कोशिकांग नहीं होते जो यूक्रैटिक में होते हैं प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गन नहीं होगा सेल ऑर्गन नहीं होगा ये ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गन नहीं होगा यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गन होंगे वायरस लीनियस थ्योरी नहीं व्यक्त करता है मैंने अभी आपको सेल थ्योरी बताया था तो वायरस लीनियस थ्योरी सेल थ्योरी नहीं है सिनकाइटियम व कॉयनोसाइट्स में कई केंद्रक उपस्थित होते हैं कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिसमें न्यूक्लियस की संख्या एक से अधिक होती है सिनकाइटियम व कोइनोसाइट्स में कई न्यूक्लियस जो हैं उपस्थित रहते हैं अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा प्रोकैटिक और यूक्रैटिक में अंतर